मार्च माह भविष्यफल 2024 कैसे बीतेंगे महीने के 31 दिन। मार्च महीने में कैसी रहेगी आपकी सेहत। कितने नए रिश्तों से जुड़ेंगे। काम कारोबार में मिलेगी कितनी तरक्की। कब कब मिलेगी करोड़ों की माया। किस्मत के बल पर क्या कुछ पाएंगे। क्या कहता है मार्च मासिक राशिफल 2024। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान की खास पेशकश मार्च माह मासिक राशिफल 2024 में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मेघशर्मा जी। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। हर महीने आप लोगों के लिए हम मासिक राशिफल इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि देखिए हर महीने ग्रह चाल बदलती है, ग्रह नक्षत्र एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं जिसे आप ग्रह गोचर कह सकते हैं। और जब जब देखिए ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में बदलाव आता है तो हम लोगों की जिंदगी में भी परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। और ऐसे में आज जो कि हम बताएंगे कि कन्या राशि कन्या लगन वाले लोगों के लिए मार्च का महीना कितना खास रहने वाला है, उनकी हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के लिए, भाग्य इस महीने आपका कितना साथ देगा आपके कार्यों में, सब कुछ जानेंगे मयंक जी से। मयंक जी, सबसे पहले ग्रह दशाएं बताएं। देखिए कन्या राशि वालों की या कन्या लग्न वालों की बात करें तो आजकल बहुत स्ट्रेस में है, बड़ी परेशानी है। भाई एक तो लग्न भाव में केतु आ गया है, उससे पहले गुरु अभी तक अष्टम भाव में चल रहे थे जो कि 1 मई तक रहेंगे, तो थोड़ी सी समस्या तो है, लेकिन इस महीने कितना लाभ मिलेगा ये आपको बताएंगे। दूसरे भाव में चंद्रमा है, पंचम भाव में मंगल और शुक्र की युति ये बहुत अच्छी रहेगी। अब देखिये छठे भाव में सूर्य बुध और शनि का ये योग बन रहा है, ये भी आपके लिए लाभप्रद ही कहा जा सकता है। सप्तम भाव में राहु है, अष्टम भाव में गुरु है और बाकी ये चारों भाव आपके खाली हैं। अब देखिए यहाँ भाग्य भी खाली है, कर्म भी खाली है, धन लाभ भी खाली है और खर्च भी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इस महीने कुछ अचीव नहीं होगा। जो भाव खाली होता है उसका मतलब ये होता है कि इस भाव पे अगर किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या इस भाव का स्वामी किसी शुभ स्थान में बैठा हो तो निश्चित रूप से लाभ मिलता ही मिलता है। तो इस महीने मैं ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि ये आपके लिए बड़ा शानदार महीना रह सकता है पिछले कुछ महीनों के मुकाबले। चलिए तो कितना शानदार अब आगे रहेगा एक एक करके मयंक जी से जानते हैं। मयंक जी सबसे पहले सेहत के बारे में जानना चाहूंगी कि ये इस महीने इनकी सेहत इनका कितना साथ देगी। देखिए इस महीने जो ग्रह स्थिति है सूर्य शनि जब छठे भाव में होते हैं, अब लग्नेश छठे भाव में है, एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। तो यहाँ आपको क्या है ना कि एकदम से नजर लग जाना, काम चलते चलते रुक जाना, एकदम से फिट है 2-4 दिन बाद महसूस करेंगे कि भाई आज थोड़ा डाउन फील कर रहे हैं, कफ कोल्ड हो गया है या कोई भी समस्या हो गई है, तो थोड़े से समय के लिए आपको यानी कि एक हफ्ता, मार्च का एक हफ्ता आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है स्टार्टिंग का जी। उसके बाद कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी, लेकिन अष्टम के गुरु के चलते और लग्न के केतु के चलते जो बीमारी थी वो पुरानी होती जा रही है और ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। अच्छा, बहुत से इस समय कन्या राशि वाले यही शिकायत कर रहे हैं, सर हम डॉक्टर को दिखा रहे हैं, दवाइयां चली जा रही हैं, लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा है, लेकिन राहत नहीं मिल पा रही है, छोड़ देते हैं तो फिर वही परेशानी बनी, मतलब दवाई लग नहीं रही है, छुटकारा नहीं पा रहे। कारण क्या है, देखिए अष्टम भाव में गुरु है तो लंबी बीमारी का योग बनता है जी, और लग्न में केतु है तो उस चीज को वो बढ़ाता है। तो अभी आपको गुरु के परिवर्तन का वेट करना पड़ेगा जो कि 1 मई तक, तो मेरी सलाह है कि 1 मई तक आप अपना कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो मत छोड़ें और लापरवाही सेहत को लेके मत कर। चलिए मैं जी, स्टूडेंट्स के लिए मार्च का महीना एग्जाम टाइम कैसा रहेगा, कितनी सक्सेस इस बार इनको मिलने वाली है। के पंचम भाव में मंगल उच्च के होके बैठे हैं, बृहस्पति आपके अष्टम में है और बुध छठे भाव में, अब इस समय एग्जाम चल रहा है, क्या होगा इस समय घबराहट चल रही है जी, कि परीक्षा कैसी रहेगी, रिजल्ट क्या रहेगा, उन चीजों से बचना होगा जी। ग्रह दशा थोड़ी सी विपरीत है और उसके बाद फिर बुध नीच के होंगे, तो यहाँ कन्या राशि वालों को अपने आप पे विश्वास रखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस, पढ़ाई करनी पड़ेगी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी लापरवाही बहुत महंगी पड़ सकती है, आपके मार्क्स में आपके एग्जाम्स जो होंगे इसमें मार्क्स कम भी आ सकते हैं जी, तो यहाँ लापरवाही बिल्कुल ना करें तो चीजों में सुधार होगा। अच्छी शिक्षा के लिए आप बृहस्पति
का यंत्र यानी गुरु का यंत्र अपने पास रख सकते हैं जी। साथ ही साथ हल्दी या केसर का टीका रोजाना माथे या छाती पे लगाएं छात्र, तो उनको शिक्षा परीक्षा में विशेष लाभ मिलेगा। यानी कि खुद पर विश्वास और मेहनत इस बार स्टूडेंट्स को करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियां, विपरीत परिस्थिति होती है ना, वहाँ पे एक सेल्फ बिलीफ आपको अपने आप पे रखना और स्ट्रांग बनना पड़ता है, बनना पड़ेगा। तो यहाँ कन्या राशि वालों को वो सब चीजें करनी पड़ेंगी, खासकर छात्रों को, तो फिर देखिए कोई परेशानी नहीं रहेगी। चलिए मयंक जी, पर्सनल लाइफ क्या कहती है, कितने नए रिश्तों से मार्च के महीने में ये लोग जुड़ेंगे? देखिए इस महीने में प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन आपके लिए अच्छा संकेत ला रहे हैं, और वो भी कहे जाए तो शुरुआती 15 दिन ही। आप कहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए अभी सप्तमेश अष्टम भाव में चल रहे हैं, ये थोड़ी परेशानी है। सप्तम भाव में राहु एक ग्रहण लगा देते हैं जिस भाव में बैठते हैं जी। अब सूर्य 13 तारीख के बाद 14 के बाद यहाँ के बैठेंगे, तो राहु सूर्य का ग्रहण दोष बनेगा वैवाहिक जीवन में। प्रेम संबंधों में शुक्र मंगल की युति बहुत उत्तम है, यानी कि इस समय प्रेम संबंध आपके बहुत अच्छे चल रहे हैं, उसमें कोई समस्या, लेकिन वैवाहिक जीवन में आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो जीवन साथी के साथ बहस इत्यादि से बचें जी। दूसरा उनकी सेहत का भी इस समय ध्यान रखें, क्योंकि राहु सूर्य की युति जब आगे बनेगी और गुरु अष्टम भाव में है, तो ये उनकी सेहत को भी परेशानी दे सकते हैं आपके जीवन साथी के। बिल्कुल, तो कोई भी ऐसी बात ना करे कि उनके मन को ठेस पहुंचे और उनकी सेहत का ध्यान रखें। मैं जी, प्रोफेशनल लाइफ इनकी कैसी रहेगी, अब आगे काम कारोबार कैसा चलने वाला, तरक्की कितनी मिलेगी इस महीने की? इस महीने छठे भाव में सूर्य, छठे भाव में शनि का गोचर जो है, कहते हैं ना काम कारोबार के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है, तो इस महीने आपका काम कारोबार चल निकलेगा। बुध का परिवर्तन होगा तो वो भी आपको लाभ देगा, शुक्र मंगल पहले ही अच्छा दे रहे हैं, चंद्रमा धन भाव में अच्छी स्थिति में, तो ये महीना आपके लिए काम कारोबार के लिए, नौकरी व्यवसाय के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो पहले 15 दिन परिवर्तन करें, बाद के 15 दिनों में सोच समझ कर ही निर्णय लें कि मुझे जॉब चेंज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कोई अच्छी ऑफर हो, अच्छी कंपनी हो, तभी जाएं। जल्दबाजी में नौकरी छोड़ने का फैसला महंगा भी पड़ सकता है। नए कार्य की अगर शुरुआत करने की सोच रहे हैं, मैं उसमें भी रोकना चाहूंगा, क्योंकि अष्टम भाव में गुरु है और गुरु आपकी जो कुंडली में है वो सप्तम भाव व्यापार के कारक है जी। तो यहाँ पर जब वो अष्टम भाव में और यहाँ राहु है, तो नए व्यापार की शुरुआत जो है वो मामला जो है गड़बड़ हो सकती है। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर करनी हो उससे भी बचना है इसमें अभी इस वक्त, चलिए वरना तो धन हानि हो सकती है। अच्छा, इसी के साथ फाइनेंशियली ये महीना इन्हें कितना स्ट्रांग बनाएगा? देखिए धन लाभ के लिए चंद्रमा बलवान है, आपकी कुंडली में लाभ का स्वामी चंद्रमा धन स्थान में बैठा है, तो इस महीने धन तो निश्चित रूप से आएगा जी। अब इस चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, ये कहते हैं ना गुरु जिस भाव को देखते हैं उस भाव को बढ़ा देते हैं फ्यूचर में, तो यहाँ गुरु पे चंद्रमा की दृष्टि धन लाभ को बढ़ाएगी। शुक्र भी लाभ स्थान को देख रहे हैं और मंगल भी, तो इस महीने व्यापारियों को तो पैसा आएगा, यानी आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें अच्छा पैसा आएगा। अब ये सोच रहे हैं कि इस पैसे से लाखों करोड़ों रुपए से कोई नया बिजनेस कर ले, वो नुकसानदेह साबित हो जाएगा, वो काम नहीं करना। चलिए मैं जी, इसी के साथ एक छोटी सी सलाह, सलाह के तौर पे मैंने वही कहा है कि थोड़ा सेहत का ध्यान रखें, संबंधों को खराब होने से बचाएं। इस समय कन्या राशि वालों को क्या महसूस होगा, जैसे उनकी बात को कोई सुन नहीं रहा है या उनकी अवहेलना हो रही है या उनको वैल्यू नहीं मिल रही है, ये थोड़ा सा अगर ऐसी कुछ चीजें सच में हो रही है तो आपको थोड़ा सा अपने आप को समझाना पड़ेगा। यहाँ विपरीत परिस्थिति में कभी इंसान खुद को समझा के अगर शांत कर ले जी, बड़ी से बड़ी परेशानी से वो अपने आप को बचा सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ कन्या राशि वालों को, कन्या लग्न वालों को उस चीज से खुद को बचाना है। जैसे ही कुछ महीनों में गुरु चेंज होंगे तो आपकी किस्मत जो है एकदम से यू टर्न लेगी 1 मई से, वहां से आपका भाग्य का सितारा पूरी तरह चमक जाएगा। चलिए इसी के साथ भाग्य प्रतिशत कितना देंगे इस बार इनको? इस महीने भाग्य प्रतिशत जो है, भाग्येश जो है अच्छी स्थिति में है, तो मैं कहूंगा कि 85-90% तक भाग्य इनका रहेगा, तो ये महीना इनके लिए विशेष लाभकारी है। और जैसे आपने बताया कि रिश्तों के मामले में और थोड़ा काम कारोबार में भी थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है, ऐसे में उपाय? उपाय के तौर पे इस समय कन्या राशि वाले क्या करें कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें जी, वो करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रोजाना हल्दी केसर का टीका लगाएं माथे पे या छाती पे, या हल्दी से स्नान भी कर सकते हैं, विशेष लाभकारी आपके लिए रहेगा। भगवान शिव की आराधना करें जी, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर भगवान शिव की आराधना करेंगे तो हमें राहु के कष्टों से मुक्ति मिलती है। शिव चालीसा का पाठ करें नियमित रूप से,
उससे आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, काम कारोबार में भी गति आएगी और सूर्य देव को जल भी आपको चढ़ाना चाहिए जो विशेष लाभ देगा। चलिए तो ये थे मिस्टर महेश शर्मा जी, जिनसे जाना मैंने आप लोगों के लिए कि कन्या राशि कन्या लगन वाले लोगों के लिए क्या कहता है उनका मार्च माह का मासिक राशिफल 2024। दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।